दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक्शन में दिख रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने कड़कड़डूमा एनबीसीसी के प्रोजेक्ट का दौरा किया और प्रोजेक्ट में खामियां मिलने पर एनबीसीसी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। दरअसल प्रोजेक्ट के तहत उड़ने वाली धूल का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था और इसी के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि गोपाल राय प्रदूषण को लेकर लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने अक्टूबर के महीने में चलाया था, आज से उसका सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं और दोबारा हमारी टीमें दिल्ली के जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं जहां से जो धूल के कण उड़ते हैं और वायुमंडल में जाते हैं और PM10, PM2.5 में तब्दील होते हैं, तो ये एंटी डस्ट कैंपेन आज से हमने दोबारा शुरू किया है। दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में दिल्ली सरकार की शुरू की गई मुहिम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की मुहिम में आप कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली की अलग अलग रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के जवान के साथ साथ आप कार्यकर्ता दिल्ली वासियों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के चलते आप कार्यकर्ताओं ने मधुबन चौक की रेड लाइट पर वाहन चालकों को जागरूक किया। तमाम वाहन चालकों से रेड लाइट के दौरान गाड़ी ऑफ करने के लिए अपील की गई और प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में दिल्ली वासियों से सहयोग मांगा। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और छोटी से छोटी कोशिश भी बहुत मायने रखती है, लेकिन दिल्ली के आउटर रिंग रोड के बीच के डिवाइडर्स बहुत खराब स्थिति में हैं। तस्वीर भी उसकी हालत बयां कर रही है। उनके ऊपर पत्थर नहीं डाले गए हैं जिसकी वजह से धूल मिट्टी और कूड़ा करकट नजर आता है। पुष्पांजलि एनक्लेव की तरफ से सामने ही हॉस्पिटल है और उसके बावजूद भी सामने फुटपाथ पर बहुत ज़्यादा गंदगी नजर आती है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में यंग प्रोग्राम फिक्स फॉर्म की तरफ से टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट आयोजन किया गया और जिसमें 40 सिख युवाओं को उनकी बहादुरी कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा पहुंचे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयोग के सदस्य डॉक्टर जसपाल सिंह ने भी शिरकत की। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लोग समाज सेवा में आना चाहते हैं उनका अगर मान सम्मान हो तो उनका काम करने का हौसला दोबारा बढ़ जाता है। तो इस संस्था को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने ये अच्छा कार्य किया और उसके अलावा भगवान के आगे अरदास भी है कि इनको शक्ति दे कि और भी ये काम है। तो वहीं छठ पर्व मनाने के बाद भलसवा झील में युद्ध स्तर पर सफाई का काम किया जा रहा है। भलसवा झील के पहले से ही प्रदूषित होने की वजह से आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठ पर्व के बाद पूजन सामग्री की वजह से झील के किनारे फैली हुई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसी के चलते स्थानीय निगम पार्षद साफ सफाई का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और साफ सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर भलसवा झील की सफाई की और इस दौरान स्थायी समिति सदस्य अजय शर्मा ने बीजेपी पर निगम कर्मचारियों को सम्मान ना देने का भी आरोप लगाया। तो भलसवा झील को लेकर लगातार शिकायतें भी यहां पर रहती है जिसके बाद अब निगम पार्षद की तरफ से खुद वो निरीक्षण करने पहुंचे और जो खामियां यहां पर मिली उनको जल्द दुरुस्त करने की बात भी कही। साथ ही जो सफाई कर्मचारी यहां पर सफाई करते दिखे उनको सम्मानित भी किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी पर बरसते भी नजर आए। तो वहीं पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के अंतर्गत ओम विहार क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की लाइन बिछाई जा रही है जिसके लिए सड़क पर खुदाई का काम जारी है। यहां के स्थानीय निवासियों का यह आरोप है कि सड़क पर खुदाई होने की वजह से उनके घरों और दुकानों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कई जगह दीवार पड़ चुकी है और ऐसे में लोगों ने किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए सड़क की खुदाई को जिम्मेदार ठहराया है। 3-4 दिन से इन्होंने गैस की लाइन डाल रहे हैं और काफ़ी गहरी की हुई है जिससे कॉर्नर का हमारा जो पिलर है वो दब गया है, जिसमें काफ़ी डैमेज भी हुई है। 3 तरह के जो कॉर्नर के राइट सारे कटिंग हुई है, बीच में क्रॉस किए गए हैं, ईंटें वगैरह टूट दी गई हैं और मैंने सुबह मीटिंग भी किया है तो इन्होंने कहा जी ठीक करा देंगे, जो होगा तह तक करेंगे। अभी अपनी बात पर भी मुकर रहे हैं
और कोई सुनवाई सुनकर राजी नहीं है। जो कहता है करना कर लो, हम तो कुछ नहीं करेंगे आपका। तो वही दिल्ली के पुष्प विहार के सेक्टर 5 इलाके की निगम पार्षद रेखा सांकला स्थानीय महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गई हैं। बता दें कि इलाके में शराब का ठेका खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। रेखा सांकला ने कहा है कि शराब की दुकान खुलने की वजह से अपराध बढ़ेगा और युवा नशे के आदि होने लगेंगे। जब तक केजरीवाल सरकार इस नई आबकारी नीति को वापस नहीं लेती, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक के बीच में शराब का ठेका खुल रहा है, यहाँ मेरे पीछे ही, तो उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। अगर यहाँ शराब के ठेके खुलते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये लत लगेगी और घर परिवार बिगड़ेंगे और सब बहन बेटियाँ जितनी बैठी हैं मेरे साथ सब पे बहुत अत्याचार होंगे। तो दिल्ली में ऑपरेशन सजग के तहत महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 4 लूटे हुए दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी आदतन अपराधी है, पहले भी लूट और चोरी के कई मामलों में शामिल रह चुका है। ऑपरेशन सजग के तहत पुलिस की तरफ से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत इलाके में पेट्रोलिंग और स्पेशल पिकेट लगाकर जाँच की जा रही है। महिंद्रा पार्क थाने ने 2 ऑटो लिफ्टर का पकड़ा, जिसके पास से करीबन 4 दोपहिया वाहन बरामद हुई। जो बताया जा रहा है कि मंगल बाजार रोड पे विकेट के दौरान चेकिंग हो रही थी, उसी दौरान वो लोग उधर से जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने हाथ दिया, वो ना रोक कर भागने लगे। उसके दौरान दिल्ली पुलिस उनके पीछा किया, कुछ ही दूर पर जाकर उनका धर दबोचा। उसके साथ ही पता चला कि करीबन उनके पास से 4 दोपहिया वाहन बरामद हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार उनसे छानबीन कर रही है कि कहीं और भी मामला शामिल हो सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करा जा रहा है। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल ने हरियाणा में हत्या समेत कई धाराओं में वांछित 2 आरोपियों को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान रोहतक निवासी पवन उर्फ कोच और सोनीपत निवासी सचिन दहिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की है। आरोपी सचिन दहिया आर्म एक्ट के 2 मामले में पहले भी शामिल रह चुका है और जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों पर हरियाणा पुलिस की तरफ से इनाम भी घोषित था, जिसके बाद सरगर्मी से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तो वहीं दिल्ली के नॉर्थ रोहिणी थाना पुलिस ने एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार किया। आरोपी नशे का आदि है और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी और झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, साथ ही पुलिस आरोपी के सहयोगी के तलाश में भी जुट गई है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के पुष्पांजलि एनक्लेव में सर्विस रोड पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया और आसपास के कई अस्पतालों और शोरूम समेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वो प्रशासन को इस बारे में कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ हटाया नहीं गया।